मेरी YouTube चैनल माई लाइफ माई वे पर आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ जनवरी 2021 में हुई पेपर वन की बाल विकास व शिक्षा शास्त्र के 30 प्रश्नों के उत्तर। तो आइए हम देखते हैं इन प्रश्नों को और इसके सटीक उत्तर को। पहला प्रश्न हम लेते हैं, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने हेतु एक अध्यापक को ऑप्शन एक सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का इस्तेमाल करना चाहिए, ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें, विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए, यह जाहिर है कि ये तीनों उत्तर नहीं होगा। और सही उत्तर है विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए, क्योंकि मानकीकृत आकलन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है और रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करने वाले कथनों का इस्तेमाल भी नहीं कर सकते हैं और विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालने जहाँ टालने की बात है वो भी ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा प्रश्न हम देखते हैं, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। ऑप्शन पढ़ते हैं, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर, विद्यार्थियों में डर की भावना पैदा करके, जहाँ डर की भावना पैदा करने वाली बात हो वहाँ नहीं होगा, लगातार अभ्यास और कार्यान्वयन पर जोर देकर, समस्याओं के हल हेतु अटल प्रक्रिया के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तो इसका सही उत्तर होगा एक नंबर, समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देकर। तीसरा प्रश्न देखते हैं, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, जो नहीं करना चाहिए वो बताना है हमें। पहला ऑप्शन हम देखते हैं, व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग, दृश्य श्रव्य सामग्रियों का इस्तेमाल, संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल। इसमें हमें ये देखना है, उत्तर ध्यान देना होगा कि यहाँ क्या नहीं करना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं, जहाँ जटिलता की बात होगी वो नहीं होगा, नहीं करना चाहिए, ये उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। ऑप्शन एक अति सक्रियता, असतर्कता, कम परिज्ञानता या बोधगम्यता और अपसारी चिंतन। तो सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण होगा ये चार नंबर, अपसारी चिंतन। पांच नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है। ऑप्शन एक बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अनुकरण नकल और दोहराना, विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना और संकल्पनाओं के बीच संबंध खोजना। यहाँ पर बिना विश्लेषण है तो इसलिए नहीं होगा, नकल नहीं होगा, यंत्रवत याद करना ये भी नहीं होगा। तो इसका उत्तर होगा ये चार नंबर। छह नंबर प्रश्न देखते हैं, एक अध्यापिका को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि ऑप्शन एक इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है। इसका उत्तर होगा ये चार नंबर। मैंने पहले भी अपने वीडियो में आपको बताया है कि हमें सही उत्तर चुनने के लिए पहले ये देख लेना चाहिए कि कौन सा उत्तर इसका नहीं होगा। उस तरह जब हम उसे एक समूह में छांट लेते हैं तो सही उत्तर हमारे सामने आ जाता है। अगला प्रश्न सात नंबर, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है। ऑप्शन एक बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देकर, यंत्रवत याद करने पर जोर देकर, बच्चे को तर्न देकर। तो हम जब पढ़ते हैं तो देखते हैं ये तीनों ऑप्शन पढ़ने से समझ में आ रहे हैं कि तीनों नहीं होंगे। चौथा पढ़ते हैं, प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर, ये उत्तर इसका होगा चार नंबर। आठ नंबर, शर्मिंदगी, ऑप्शन एक बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, शर्मिंदगी के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बार बार पैदा करना चाहिए, शर्मिंदगी का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है। चौथा, शर्मिंदगी का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जो ऑप्शन चार इसका उत्तर होगा।
नौ नंबर प्रश्न देखते हैं। अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्य पुस्तकों पर निर्भर रहते हैं, बच्चों की कोई भूमिका नहीं होती, बच्चे पूर्ण रूप से वयस्क पर निर्भर करते हैं। इसका सही उत्तर होगा बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं। दस नंबर, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? ऑप्शन पढ़ते हैं हम, प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, असफलता अनियंत्रित है, योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, योग्यता सुधार्य है। इसका उत्तर होगा तीन नंबर। ग्यारह नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? बारंबार परीक्षाएं, अन्वेषण और संवाद, प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, पाठ्यपुस्तक केंद्रित शिक्षा शास्त्र। अन्वेषण और संवाद के परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है। बारह नंबर प्रश्न, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब, ऑप्शन एक पढ़ते हैं हम, अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो, सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो। तो इसका सही उत्तर होगा बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए। तेरह नंबर, अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? ऑप्शन हम पढ़ते हैं, संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं, कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना, उच्च भय। जहाँ भय होगी वहाँ अधिगम सही तरह से नहीं होगा, इसलिए सही उत्तर है संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। चौदह नंबर प्रश्न देखते हैं, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस पर प्रतिरोपित किया जा सकता है? ऑप्शन एक, ना आनुवंशिकता पर, ना पर्यावरण पर। ऑप्शन दो, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता, केवल आनुवंशिकता, केवल पर्यावरण। इसका सही उत्तर होगा दो नंबर, आनुवंशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। पंद्रह नंबर प्रश्न, एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है, वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है? लेव वाइगोत्स्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह का व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है? ऑप्शन पढ़ते हैं हम, आत्मकेंद्रिता, मनोवैज्ञानिक विकार, संज्ञानात्मक अपरिपक्वता, स्व नियमन। इसका सही उत्तर होगा ये चार नंबर, स्व नियमन। सोलह नंबर प्रश्न, मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन एक, विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की पहचान करना, विद्यार्थियों को नामांकित करना, योग्यता आधारित समूहों में विद्यार्थियों को विभाजित करना। इसका सही उत्तर होगा विद्यार्थियों की जरूरतों एवं आवश्यकताओं की पहचान करना। सत्रह नंबर प्रश्न, एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है? लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना, ऑप्शन पढ़ते हैं हम, छात्रों में प्रत्याहार निकास प्रवृत्तियां पैदा करेगी, अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन होगी, बच्चों को अधिगम के लिए निष्प्रेरित करेगी, अधिगम के लिए पार आधारभूत संरचना का काम करेगी। इसका सही उत्तर होगा अधिगम के लिए पार यानी आधारभूत संरचना का काम करेगी। अठारह नंबर प्रश्न, एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा, यह देखकर उसके पिता ने कहा लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन, ऑप्शन एक, लैंगिक भेदभाव को कम करता है,
लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है, लैंगिक रूढ़िवादिताओं को चुनौती देता है। यहाँ पिता का यह कथन लैंगिक रूढ़िवादिताओं को दर्शाता है। 19 नंबर प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन ए ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए, विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना चाहिए, अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, विद्यार्थियों में प्रतिस्पर्धा पर बल देना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। 20 नंबर प्रश्न, लॉरेंस कोलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं नैतिक विकास के डैश चरण को दर्शाता है। तो इसका ऑप्शन पढ़ते हैं हम, उत्तर प्रथागत, अमूर्त संक्रियात्मक, प्रथापूर्व और प्रथागत। तो किसी कार्य को इसलिए करना कि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं यह प्रथागत चरण को दर्शाता है। इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर। 21 नंबर, बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक पढ़ते हैं हम, समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है। दूसरा ऑप्शन हम पढ़ते हैं, परिवार एवं जनसंचार दोनों समाजीकरण के द्वितीयक कारक है, विद्यालय समाजीकरण का एक द्वितीयक कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। यह सही उत्तर है, विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारक है। अगला प्रश्न देखते हैं, 22 नंबर, बहुबुद्धि का सिद्धांत जोर देता है कि ऑप्शन एक, बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नताएं नहीं होती, बुद्धि लब्धि केवल वस्तुनिष्ठ परीक्षणों द्वारा ही मापी जा सकती है, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। इसका सही उत्तर होगा कि बहुबुद्धि का सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं हैं, ऑप्शन एक। 23 नंबर प्रश्न, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है। ऑप्शन एक, परिकल्पित निगमनात्मक सोच, दूसरा संरक्षण और पदार्थों को क्रमबद्ध करने की क्षमता, तीसरा अमूर्त सोच का विकास, चौथा विचार या सोच में केंद्रीकरण। तो इसका सही उत्तर होगा विचार या सोच में केंद्रीकरण। 24 नंबर प्रश्न, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। ऑप्शन एक, विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है। ऑप्शन दो, विकास बहुआयामी होता है। इसका सही उत्तर होगा विकास बहुआयामी होता है। 25 नंबर प्रश्न, लेव वाइगोत्स्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में डैश के महत्व पर जोर देता है। ऑप्शन हम पढ़ते हैं, अभिप्रेरणा, संतुलीकरण, सांस्कृतिक उपकरणों और गुणारोपण। सही उत्तर होगा सांस्कृतिक उपकरणों। 3 पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संज्ञानात्मक संरचनाओं को डैश के रूप में वर्णित करते हैं। ऑप्शन एक, विकास का समीपस्थ क्षेत्र, स्कीमा, मनोवैज्ञानिक उपकरणों, उद्दीपक, अनुक्रिया, संबंध। इसका सही उत्तर होगा स्कीमा। 27 नंबर प्रश्न, एक समावेशी कक्षा में डैश पर जोर होना चाहिए। ऑप्शन एक, सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों के अलगाव, दो, हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना, प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्यों या अविभेदी समरूपी निर्देशों। सही उत्तर है कि एक समावेशी कक्षा में हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करने पर जोर होना चाहिए। 28 नंबर प्रश्न, दिव्यांगजन कार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है। छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र, विकलांग छात्र। तो दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार
छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है। 29 नंबर प्रश्न, जन्म से किशोरावस्था तक बच्चों में विकास किस क्रम में होता है? तो पहले अमूर्त, फिर मूर्त, उसके बाद सांवेदिक। इसका सही उत्तर होगा ये 2 नंबर। 30 नंबर प्रश्न, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? ऑप्शन एक, योग्यता आधारित समूह बनाने का मापदंड। ऑप्शन दो, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। ऑप्शन तीन, अधिगम की प्रक्रिया में बाधा, अध्यापक के पक्ष पर असफलता। जहां बाधा असफलता की बात होगी वो नहीं होगा। और इसका सही उत्तर है ये 2 नंबर, अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण। ये थे 30 प्रश्न पेपर एक के बाल विकास से। और मैं आपसे मिलती हूँ इसी तरह के कुछ और प्रश्नों को हल करते हुए अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप मेरे वीडियो को फॉलो करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी तरह के और वीडियो आपको आसानी से प्राप्त हो सके। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।